नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बिहार में 303 इकाइयां जल्द होंगी शुरू, 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, 3,871 करोड़ का होगा निवेश। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, 30 सितंबर तक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी हो जाएगी तैयार, अनुकंपा मामले की भी कैबिनेट से मिली स्वीकृति। रील बनाए और पाए इनाम, रील मेकिंग प्रतियोगिता में ले भाग, 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है प्रतियोगिता। बिहार बीसीई सीईबी ने निकाली भर्ती, सीनियर रेजिडेंट के पद पर निकली बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2024। पंकज त्रिपाठी के फिल्म ने मचाया धमाल, बॉक्स ऑफिस स्त्री 2 निकली सबसे आगे, फिल्म ने की 600 करोड़ की कमाई। व्हाट्सएप पर ये 4 नंबर कर ले सेव, सभी परेशानियों का मिल जाएगा हल, गैस सिलेंडर मंगवाना भी हो जाएगा बेहद आसान। और 3 अक्टूबर से शुरू होगा आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप, 18 साल की कम उम्र के दर्शकों को मिलेगी फ्री एंट्री, आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं टिकट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी के 257 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 17 सितंबर से शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर। इसके लिए जरूरी है कि आप 12वीं पास या ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हों। उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बिहार में 303 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इन इकाइयों की स्थापना से लगभग 70,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीदें हैं। निवेशकों ने बिहार में 3,871 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने इन इकाइयों के लिए वित्तीय क्लियरेंस दे दिया है। इसके साथ ही 383 अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी प्राथमिक क्लियरेंस मिल चुका है, जिनकी कुल लागत 5,721 करोड़ रुपए है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में रोजगार के लिए हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। पेप्सी, कोको कोला, जेके, लक्ष्मी सीमेंट सहित कई कंपनियां बिहार में निवेश कर रही हैं। पटना हाईकोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों पर बीते दिन सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने बताया कि इन मामलों का रिपोर्ट आ चुका है और अगली सुनवाई 27 सितंबर 2024 को होगी। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए सभी जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट 6 सप्ताह में देने का निर्देश दिया था। अदालत ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी जिला जजों को, जिलाधिकारियों, हितधारक और पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाकर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब इस पे अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि सभी निबंधन कार्यालय 1 महीने के भीतर ऑनलाइन हो जाएंगे। अब लोगों को निबंधन कराने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई ई निबंधन प्रणाली के तहत राज्य के 127 निबंधन कार्यालय आपस में जुड़े रहेंगे, जिससे आवेदकों को हर प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करने का अवसर मिल जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से आवेदक घर बैठे ही चालान जमा कर सकते हैं, मॉडल डेट का चयन कर सकते हैं और निबंधन दस्तावेज तैयार भी कर सकते हैं। अंत में केवल एक बार निबंधन कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और फोटो खिंचवाना होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से पहले ट्रांसफर की नियमावली तैयार कर ली जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है, ये विभागीय स्तर पर ही निपट जाएगा। सुनील कुमार ने आगे बताया कि कैबिनेट में केवल पोस्ट सेक्शन और पोस्टिंग का मामला तय होता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने अनुकंपा के मामलों को लेकर भी कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की जानकारी साझा की। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने बिहटा में एक नया प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
इस क्षेत्र में 4,22,000 वर्ग फुट का औद्योगिक शेड तैयार किया गया है, जो विशेष रूप से प्राथमिकता वाले उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए आरक्षित है। प्लग एंड प्ले शेड का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उद्यमियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की चिंता नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो बिहार पर्यटन विभाग आपके लिए लाया है रील मेकिंग प्रतियोगिता, जिसमें भाग लेकर आप जीत सकते हैं लाखों के इनाम। बता दें कि यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है। इसमें भाग लेने के लिए आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर कुल मिलाकर 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होना चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार के आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, धरोहर और ऐतिहासिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, बिहार के व्यंजन, कला और संस्कृति निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी में 1,00,000 रुपए का इनाम जीत सकते हैं। ये जानकारी हमें आईपीआरडी के जरिए दी गई है। बिहार BCEECB ने सीनियर रेजिडेंट के पद पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2024। वही फॉर्म भरने में अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो इसके लिए 8 और 9 अक्टूबर तक सुधार करवाया जा सकता है। आवेदकों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है। बता दें कि इस पद पर मेरिट लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। योग्यता और कुल पदों की जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय जजों की कॉलेजियम ने न्यायिक कोटा से 2 जिला जज स्तर के अधिकारियों को पटना हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। इसमें शामिल है पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार शशि भूषण प्रसाद सिंह और बिहार जुडिशियल एकेडमी डायरेक्टर अशोक कुमार पांडे। ये सिफारिश अब आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को भेज दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी और सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिलेंगे। राज्य में आगामी पैक्स चुनाव 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। ये चुनाव 5 चरणों में संपन्न होंगे और मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्व से लागू आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी डीएम, डीडीसी और डीसीयू को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अगर आप WhatsApp चलाते हैं तो आपको ये 4 नंबर जरूर सेव कर लेना चाहिए। हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए ये नंबर सेव करें। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना कोई भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे सिलेंडर मंगवाना चाहते हैं तो इंडियन ऑयल का ये नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करिए। और अगर आप ट्रेन में खाना मंगवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर हाय का मैसेज लिखकर सेंड कर दें। और अगर आप फ्लाइट से सफ़र करते हैं तो आप इस नंबर पर हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको फ्लाइट बुकिंग से लेकर फ्लाइट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बिहार सरकार ने पहली बार गुड़ उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 81 इकाइयों के लिए 1,240,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। बता दें कि गन्ना उद्योग में गन्ने की पेराई क्षमता में वृद्धि के चलते राज्य के चीनी उत्पादन में सुधार हुआ है, जिससे बिहार अब देश में 5वें स्थान पर है और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुँचने की उम्मीद है। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुड़ उद्योग के लिए अनुदान योजना को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न पेराई क्षमताओं के लिए अनुदान की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे किसानों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने पहली बार पेड इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। छात्र वन्य जीव, उनके अधिवास, परितंत्र,
कृषि, पशुपालन और मत्स्यकी जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जैव विविधता से संबंधित क्रियाकलापों में शामिल होने का मौका पा सकेंगे। यह इंटर्नशिप स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD शोध छात्रों के लिए खुली है। स्नातक छात्रों को 7,500 रुपये और स्नातकोत्तर तथा PhD छात्रों को 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आप भी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो इच्छुक और योग्य छात्र BSBB की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बिहार के अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2 ने धमाल मचा दिया है। बता दें कि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 607 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये पहली हिंदी फिल्म बन गई है जिसने ये आंकड़ा पार किया है। बता दें कि फिल्म स्त्री 2 इसी साल 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार थे। फिल्म में वरुण धवन और तमन्ना भाटिया ने कैमियो किया था। इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कागजात दुरुस्त नहीं होने के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सर्वे के काम को फिलहाल 3 महीने के लिए टालने का निर्णय लिया है। अब 3 महीने बाद फिर से सर्वे का काम बिहार में शुरू किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पटना में अंचल अधिकारियों के साथ बीते दिन एक महत्वपूर्ण बैठक की, जहाँ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और जमीन सर्वे को सुचारू रूप से संपन्न करें। जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यदि किसी सरकारी सेवक के काम के दौरान मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। वही अगर आश्रित नाबालिग है तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा, जबकि बालिग आश्रित को बिना किसी विलंब के आवेदन करना आवश्यक है। उसी आवेदन पर विभाग की जो प्रक्रिया है उस आधार पर नौकरी देने का निर्णय होगा। इस संबंध में सभी विभागों और जिला के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अनुकंपा नियमों का पालन सुनिश्चित करें। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिक के यात्रियों के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है जो अक्सर आपको मालूम नहीं होता। बता दें कि रेलवे आरक्षण के दौरान बुजुर्ग यात्रियों को प्राथमिकता देते हुए लोअर बर्थ आवंटित करता है। महिला यात्रियों के लिए ये सुविधा 45 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है। यदि रिजर्वेशन के समय लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो चलती ट्रेन में TT से संपर्क कर बुजुर्ग यात्री इसे प्राप्त कर सकते हैं। स्लीपर कोच में 6 लोअर बर्थ और AC 2 और 3 टीयर में 3-3 लोअर बर्थ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होती है। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी इनकी संख्या अधिक होती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में बेहतर सुविधा मिलती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में पूर्वा हवाओं का प्रवाह तेज हो गया है। इससे प्रदेश भर के मौसम में बदलाव आया है। अगले 3 दिनों तक उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों में भारी बारिश की आशंका है। आज पटना समेत पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी रहेगी। अगले 48 से 72 घंटों तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा, जबकि सुबह और शाम का मौसम जो है सुहावना होगा। बिहार के पटना जिले के पुनपुन अंचल में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बीते दिन औचक निरीक्षण के दौरान 2 लिपिकों को निलंबित कर दिया। ये कार्यवाही तब की गई जब शिकायतों के अनुसार अंचल कार्यालय में काम में लापरवाही पाई गई। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण कई बार मिली शिकायतों के बाद किया गया था। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कटिहार दौरा है, जहां वे कटिहार महिला ITI कॉलेज के नई हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह प्रशिक्षण केंद्र सीमांचल की बेटियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। यहां उन्हें तकनीकी शिक्षा का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। खासकर लिफ्ट निर्माण और इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इस केंद्र को और भी आकर्षक बना रही है।
अगर आपने भी इस फेस्टिवल सीजन में कार खरीदी है तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपनी कार के दस्तावेजों से खुद को परिचित करें, इसके बाद नियमित सर्विसिंग का ध्यान रखें। इंजन ऑयल और फिल्टर आपकी कार के इंजन की जान होती है, इसलिए इनकी देखभाल करना बेहद आवश्यक है। साथ ही टायरों की स्थिति, ब्रेक की जाँच और कार की बैटरी, लाइट और कूलेंट जैसे अन्य महत्वपूर्ण घटकों पर भी नजर रखें। इन छोटे छोटे कदमों से आप अपनी नई कार को बेहतर स्थिति में रख सकते हैं और लंबी अवधि तक सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। बिहार सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बीते दिन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन किया। मंत्री ने बताया कि इस नई सुविधा के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के नेतृत्व में बिहार में नए खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुरेंद्र मेहता ने कहा कि पहले लोग सोचते थे कि बिहार में खेल का यह स्तर संभव ही नहीं है, लेकिन आज ये सच हो चुका है। 3 अक्टूबर से ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का शंखनाद होगा, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए टिकट की बिक्री अभी से ही शुरू हो गई है। बता दें कि ICC महिला T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए 18 साल से कम उम्र वाले दर्शकों की अब फ्री में एंट्री होगी। फैंस चाहे तो ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। क्रिकेट फैंस दुबई और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम से भी ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1998 में सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज के दिन सन 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों से कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया है। आज ही के दिन सन 1820 में प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1932 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। टेलीग्राम का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कंपनी की ओर से जारी नए अपडेट को आपको जानना जरूर चाहिए। टेलीग्राम के CEO पावेल डुरो ने ऐलान किया है कि कंपनी कानून परिवर्तन के साथ यूजर्स की डिटेल शेयर करेगी। ऐसा तब होगा जब टेलीग्राम यूजर्स अवैध गतिविधियों के संदिग्ध पाए जाएंगे। यह नया अपडेट पिछले महीने फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा डुरो की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। ऐसे में अगर कोई भी टेलीग्राम यूजर प्लेटफॉर्म पर सर्च आइकन के साथ ऐसा गलत कंटेंट खोजता है, शेयर करता है, तो इसकी डिटेल सीधे सरकारी अधिकारियों के पास चली जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 20 सितंबर, ऑप्शन बी है 19 सितंबर, ऑप्शन सी है 18 सितंबर और ऑप्शन डी है 17 सितंबर। इसका सही आंसर होगा 20 सितंबर। हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए समीर कुमार, ऑप्शन बी अहमद हुसैन, ऑप्शन सी है तैयब इकराब और ऑप्शन डी है संतोष अग्निहोत्री। इसका सही आंसर होगा तैयब इकराब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1656 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1661 में, ऑप्शन सी है 1666 में और ऑप्शन डी है 1671 में। इसका सही आंसर होगा 1666 ईस्वी में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में कब हुआ? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1916 और ऑप्शन डी है 1918। इसका सही आंसर होगा 1908। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनारायण मंडल, सपना कुमारी, पिंटू कुमार यादव, परमात्मा सिंह, मोहम्मद नौसाद अंसारी, कुमारी रवीना, सुबोध कुमार, विनोद कुमार, बेबी कुमारी, गौतम कुमार सिंघानिया, रामकेश्वर प्रसाद,
मोहम्मद मंजूर आलम, रणधीर कुमार, दीपक कुमार, दीपक राज, परवेज वारसी, अनीता कुमारी, शिव शंकर, रामबेनी माधव सिंह, सूरज कुमार, पुष्पा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपकी नज़र में बिहार के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।